बताएं बताएं। नहीं, कल शाम तक ये खबर थी कि आज जो नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है, अगर ये पिच अच्छी साबित हुई तो इसी पे पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा। लेकिन वो तो ये पिच अच्छी साबित नहीं हुई, 106 बने ना, कितने बने। और आज गैरी कस्टन से भी सवाल हुआ तो गैरी कस्टन ने कहा कि मुझे अभी तक आइडिया नहीं है कि कौन सी पिच होगी, तो अब ये लेट डिसाइड होगा कि कौन सी पिच पे खेला जाएगा। अगर ये साउथ अफ्रीका वाली और नेदरलैंड वाली पिच पे खेला गया तो ये थोड़ी सी अर्ली ऑन मुश्किल थी, लेकिन अगेन जिस तरह अगर इस पिच पे खेला गया अगर तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है इन द सेंस के बॉलर्स को सपोर्ट करना क्रूशियल हो जाएगा। जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी और सामने वाली टीम को जल्दी आउट करेगी, तो वन साइडेड अनइवन बाउंस नहीं था जैसे श्रीलंका, लेकिन फिर भी थोड़ी मुश्किल थी बैटिंग के लिए, मुश्किल थी थोड़ी। इसलिए क्या है, आमतौर पर मैच से कितना पहले डिसाइड होता है कि किस पिच में मैच होना है? मैच से कम से कम 30 घंटे पहले 34 घंटे पहले आज डिसाइड हो जाना चाहिए। लेट अब हमारी एक्चुअली 9 घंटे का वैसे ऑलरेडी फर्क है, अभी दोनों टीमों की प्रैक्टिस और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है, लेकिन एक चीज ये आईसीसी डिसाइड करता है ऑफ कोर्स। हां जाहिर है, जाहिर है, और आईसीसी अंडर प्रेशर भी है, इतनी बातें पिच के ऊपर हो रही हैं। तो पाकिस्तान की टीम का 6 तारीख को मैच था, गंदी टीम खेली थी वो मैच, 7 तारीख को अच्छी टीम होती, 8 को बुरी होती, तो 9 को अब अच्छी होगी टीम। हर दिन नया दिन होता है, हर दिन नया दिन। इस वेन्यू का और ज्यादा आइडिया हो जाना था, अगर दो क्वालिटी साइड है, एक आधा मैच मध्यम मुकाबले हुई होती, अभी वन साइडेड चलते रहे सारे। यहाँ पे चारों मैचेस जो हुए हैं एक टीम टॉप पे रही है, नंबर 1 टीम इंडिया जैसे दो खेली, दो साउथ अफ्रीका खेली, उनके आगे कोई क्वालिटी साइड नहीं खेली, तो मेरे ख्याल से कल ये एक फर्क नजर आएगा। और पाकिस्तान को दुआ करनी चाहिए कि इसी पिच पर वो मैच जिस पे भी हुआ है, किसी पे भी किसी पे भी पिच कोई भी हो, पाकिस्तान टॉस जीते पहले और भारत को पहले टॉस जीते तो बॉलिंग कराए, मतलब बॉलिंग करे, टॉस जीते चाहे पहले बैटिंग करे चाहे पहले बॉलिंग करे, अगर पहले बॉलिंग करे तो 110-120 से ज्यादा स्कोर नहीं करने देना चाहिए जैसी पिच पिछले 4 मैचेस में खेली है। एंड अगेन इट्स इंडियास बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान बॉलिंग टुमारो, जो आमतौर पर हम कहते हैं हमारी सिर्फ बैटिंग में मैं डिपेंड जो कर रहा हूँ बाबर और रिजवान पे, जो इस कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, पूरे 20 ओवर एटलीस्ट जितनी लंबी पार्टनरशिप लगा सकते हैं वो लगाएं। आज जो सबसे बड़ी जो एक नज़र आ रही है ना पार्टनरशिप, हाँ, और रहमतुल्ला गुरबाज इब्राहिम जादरान की जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, पहले 10 ओवर में सिर्फ 50-55 रन थे, उसके बाद उन्होंने देखे कैसे गेयर चेंज किया और 160 कर दिया, फिर न्यूजीलैंड को 75 पे आउट कर दिया। तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर पे मेरे ख्याल से ज्यादा। ठीक है, अब नाज़रीन ये स्क्रीन पर इस वक्त कामरान अकमल साहब की ये प्लेइंग 11 आ गई है बैटिंग ऑर्डर के साथ, बैटिंग ये अच्छा इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ। कामरान भाई का ख्याल है कि रिजवान और फखर को ओपन करना चाहिए और इंशाल्लाह फखर की स्ट्राइक भी आ जाएगी सामने से। देखा आज आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का कैसे उन्होंने पावर प्ले यूटिलाइज किया, तो बाब फखर वेस्ट हो रहा नंबर 4 पे, तो पावर प्ले में उसको देंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टार्ट मिल सकता है। और आप समझते हैं कि बाबर आजम को फिर वनडे बनाना चाहिए, उस्मान को एक और चांस मिलना चाहिए, इफ्तिखार हो। ओके, अगेन आजम खान, ऑल राइट, पहले जरा यहाँ बताइए आप क्यों समझते हैं कि एक और चांस आजम खान को इतने क्रूशियल मैच में, जिसका मोराल भी बेचारे का इतना गिरा हुआ है इस वक्त। मोराल इस वक्त गिरने की बात नहीं है, है ही कोई नहीं ऑप्शन आपके पास, रियली मिडल ऑर्डर कोई रखा ही नहीं है एक्स्ट्रा, तो इस वक्त नंबर 5-6 पे खिलाना, तो आप ज़्यादा ऑलराउंडर्स पे नहीं जा सकते। तो जो लेके गए स्पेशलिस्ट, ठीक है एक मैच हुआ, जो एक थिंकिंग थी सिलेक्टर्स की, बोर्ड्स की या मीडिया पे बातें चल रही थी कि परफॉर्म किया हुआ वो हमारे काम आएगा वर्ल्ड कप में, तो पूरा चांस है। आजम को खेलना चाहिए, बिल्कुल खिलाना चाहिए।